हेलो डियर किड्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एट योर होम्स। ओके डियर किड्स, यूनिट वन फ्रॉम योर इंग्लिश रीडर बुक दैट वी हैव कवर्ड, एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट टू, नेचर केयर्स। नेचर केयर्स इज द नेम ऑफ योर सेकेंड यूनिट फ्रॉम इंग्लिश माई इंग्लिश रीडर। So, nature cares. What do you mean by nature cares? Nature, prakriti, that is our surrounding, the trees, air, water, okay, soil, everything. Like even small plants, they all are the part of nature. And these all things, this nature cares for us. ये हमारी देखभाल करती है, हम लोगों की, human beings की help करती है, हमारी देखभाल करती है अलग अलग तरीके से। Nature से हमें हवा मिलती है, ठीक है, nature ने ही हमें पानी दिया है, ठीक है। Nature की वजह से ये plants हैं, ये trees हैं, और इन ट्रीज़ और प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो नेचर हमारी देखभाल करती है, लेकिन क्या हम नेचर की देखभाल करते हैं? क्या हम करते हैं ऐसा? शायद बहुत कम लोग करते हैं ऐसा। तो इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि नेचर हमारी किस किस तरह से हेल्प करती है, और हम किस तरह से नेचर को पॉल्यूट करते हैं। ओके, सो we have two pictures here given in the very beginning of this unit, two pictures, picture A and picture B. Picture A shows a green wood, and picture B is there, which shows many trees have been cut, okay, in picture B. So, let's see the pictures, and then we'll try to answer the following questions. Picture A में बहुत अच्छे trees हैं, greenery है। Picture B में थोड़े से पेड़ हैं, लेकिन ज़्यादातर पेड़ काटे हुए हैं। तो कौन सी picture ज़्यादा अच्छी लगी आपको, A और B? A ना? Yes, obviously हमें A picture अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे greenery है, पेड़ है, हरियाली है वहाँ पे। पिक्चर भी इसलिए नहीं लगी क्योंकि पेड़ काटे हुए हैं, वो देखने में अच्छी नहीं लग रही है। ऑब्जर्व द टू पिक्चर्स एंड टेल व्हाट दीज सिग्निफाई। इन दोनों पिक्चर्स को हमने देख लिया, अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे ये बताने कि इनकी इनका इम्पोर्टेंस क्या है, या ये किस क्या बताते हैं, पिक्चर ए और बी हमें क्या बताते हैं। सो पिक्चर ए is a green jungle full of trees, while picture B shows a wood where many trees have been cut down. Picture A हमें बताती है एक जंगल है पेड़ों से भरा हुआ, बहुत attractive है, and picture B shows कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ जो हैं वो काटे गए हैं। Which would you like to visit during your vacation? Picture A और B, during your vacation, your holidays, कहाँ पर जाना पसंद करेंगे आप, पिक्चर ए में या बी में? तो फॉरेस्ट ए और बी में, फॉरेस्ट ए में ऑब्वियसली। गिव वन रीज़न एज टू व्हाई यू चूज़ द पर्टिकुलर फॉरेस्ट। एक रीज़न देना है आपने कि ए ही फॉरेस्ट क्यों अच्छा लगा आपको। तो एक रीज़न, आप कोई भी रीज़न दे सकते हैं पिक्चर ए को आपने क्यों पसंद किया। सो पिक्चर ए, हम लोग पिक्चर ए को पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि there are many trees, green trees, which looks very attractive. ये जो पूरा उनकी looking है, पूरी looks जो है वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। They are green, और ये greenery जो है हमें बहुत अच्छी लगती है, that is why. How can we prevent forest A from becoming forest B? Suggest any two ways. हम ये जो forest A है इसको फॉरेस्ट बी बनने से कैसे रोक सकते हैं?
फॉरेस्ट ए जहाँ पे ग्रीनरी है उसको फॉरेस्ट बी ना बनने दें, क्या करना चाहिए उसके लिए? पहला, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, बाय स्टॉपिंग कटिंग ट्रीज, और ज़्यादा पेड़ उगाना और पेड़ों को ना काटना। सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, सम सिचुएशंस आर गिवन बिलो, व्हाट वुड यू डू इन दीज सिचुएशंस? ये कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, आप अगर इन सिचुएशंस में हो तो आप क्या करोगे? ठीक है, आपने करेक्ट भी टिक करना है। यू आर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, यू हैव अ टॉफी रैपर इन योर हैंड, यू वुड, आप रिवर बैंक पे बैठे हैं, रिवर बैंक नदी के किनारे पे बैठे हैं और आपके हाथ में एक टॉफी का रैपर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहला, थ्रो इट इन द रिवर, क्या उसको नदी में फेंक दोगे? थ्रो इट इन द डस्टबिन केप्ट एट सम डिस्टेंस, या फिर एक डस्टबिन जो कि थोड़ी दूरी पर रखा हुआ है वहाँ पे फेंकोगे, या पुट इट इन योर पॉकेट, या फिर अपनी पॉकेट में डाल लोगे। तो जो आपको बेस्ट लगता है वो आप इस पर टिक करेंगे, जो मुझे बेस्ट लगा मैंने वो टिक कर दिए हैं, थ्रो इट इन द डस्टबिन, ठीक है। यू आर ईटिंग एन ऑरेंज एट होम, यू वुड थ्रो द पिप्स एंड पील्स, आप घर में बैठे हैं ऑरेंज खा रहे हैं तो जो पिप्स और पील्स हैं, जो छिलका है या उसके अंदर के जो सीड्स हैं, उनको आप क्या करोगे, कहाँ फेंकोगे? नियर द बेड, अपने बेड के नज़दीक ही, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं लेकिन वो गलत है। इन द डस्टबिन केप्ट इन द किचन, किचन में जो डस्टबिन रखा हुआ है उसमें डालेंगे, या इन द ड्रेन नियर योर हाउस, जो ड्रेन आपके नाली जो घर के पास से गुजर रही है वहाँ पर फेंक देंगे, जो आपको बेस्ट लगता है वो क्या करोगे आप, ठीक है, या आप क्या करते हो जब ऐसा हो जाता है। यू आर शार्पनिंग ए पेंसिल इन द क्लास रूम, यू विल थ्रो द पेंसिल चिप्स, पेंसिल को आप शार्प कर रहे हो क्लासरूम में तो पेंसिल के जो चिप्स हैं, ठीक है, उसको कहाँ पे फेंकोगे? इन द डस्टबिन कैप्ट इन द क्लास, थ्रो देम अंडर द डेस्क, कीप देम इन योर बॉक्स टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन लेटर, आप क्या करोगे? क्लास में जो डस्टबिन रखा हुआ है उसमें फेंक दोगे, या फिर अपने डेस्क के नीचे से चुपके से, किसी को पता ना लगे, चुपके से डेस्क के नीचे से फेंक दिया, क्या ऐसा करोगे, या फिर अपने पेंसिल बॉक्स में उसको रख दोगे ताकि आप बाद में उसको फेंक दो, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरा अच्छा लगता है तो स्पेशली ये वाला जो बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने, थ्रो देम अंडर द डेस्क, अपने डेस्क के नीचे ही फेंक देते हैं, किसी को पता ना लगे, ना 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 मेरे फ्रेंड को पता ना लगे, फेंक देते हैं नीचे, विच इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं करते हैं, ओके। यू कैन डू दिस ऑल्सो, कीप देम इन योर बॉक्स, अपने बॉक्स में रख लीजिए, टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन लेटर, बाद में उसको डाल लेना, ठीक है, दिस कैन बी दे, ओके।